आज लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई जो बिना झंझट के सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही हमें गैस जलाना है, ना ही हमें चाशनी बनाना है और ना ही इसके लिए हमें घी की जरूरत है और ना ही मावे की। और बहुत ही टेस्टी मजेदार ये मिठाई बनकर तैयार होती है, तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये 20 से 25 किशमिश ले ली है, 15 से 20 मैंने काजू लिए है, 15 से 20 बादाम लिए है और ये 10 से 12 मैंने खजूरें ली है। तो खजूरों को इस तरह से सॉफ्ट वाली चाहिए और खजूरों की जो गुठलियां थी ना वो सारी मैंने हटा दी है, अलग कर दी है। तो अभी सबको डालेंगे हम मिक्सर के जार में। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच हम डेसिकेटेड कोकोनट और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए ये इसी तरह का पिसेगा, हल्का सा दरदरा पिसेगा ये। अब एक दूसरा जार ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 कप नारियल का बूरा और 1/2 कप डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर और 1/2 कप से थोड़ी सी कम मैंने शक्कर ले ली है और इसके साथ ही डाल देंगे 4 इलायची और इसको भी हम एक बार मिक्सर को चला के बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए शक्कर भी पिस गई है और सारी चीजें अच्छे से मिक्स भी हो गई है। जो हमने इलायची डाली थी वो भी बिल्कुल बारीक पीस गई है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेना है हमें। अब निकाल लिया है मैंने इसे एक बड़े से बॉल में। अब ये मैंने ठंडा दूध ले लिया है, तो दूध बॉइल है और मैंने फ्रिज में रखा हुआ दूध लिया है। तो मैंने अभी 1/2 कप दूध लिया है मगर हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच। तो ये जो छोटे वाले चम्मच है ना इसे मैंने 4 चम्मच दूध डाल लिया है। एकदम से हम इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जो हमारा डो है ना एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक बार इसको मसलते हुए इस तरह से तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें और दूध डालेंगे। तो ये देखिए डो तैयार हो गया है, तो 6 चम्मच दूध में ही ये हमारा मावा तैयार हो गया है। अब ये जो हमने खजूर और ड्राई फ्रूट पीस कर रखे थे ना कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह से बॉल तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसमें हमें बिल्कुल कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, अच्छी बाइंडिंग आ गई है खजूर और किशमिश से। तो ये देखिए मैंने इसकी बॉल्स तैयार करके रख ली है। अब ये जो हमने व्हाइट वाला मावा बना कर रखा था इसकी भी हम एक बॉल तैयार कर लेंगे। तो ये जो हमने छोटी बॉल बनाई है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे हम इसे, जितना बड़ा नींबू होता है उतना बड़ा ले लिया है मैंने। तो हाथों पे घुमाकर इस तरह से गोल कर लेंगे। अब इस तरह से प्लेट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से उंगलियों और अंगूठों से मैंने इसको इस तरह से रोटी की तरह कर लिया है। अब इसमें रखेंगे हम ये खजूर वाली बॉल और सब तरफ से उठा के इस तरह से इसे पैक कर देंगे, बंद कर देंगे और बस अब हम इसे गोल कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से गोल हो गया है, हल्का सा दबाकर हम इस तरह से उंगलियों से इसके पेड़े का शेप दे लेंगे। तो ये देखिए एक मिठाई बनकर तैयार हो गई। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी मिठाई हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस पे लगाएंगे कुछ पे चांदी का वर्क होता है वो लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, मिठाई बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही लाजवाब मजेदार, 5 मिनट का ही टाइम लगा है इसे बनने में। और ये देखिए हमारी बहुत ही लाजवाब मिठाई बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो अच्छे से ये सेट हो गई है। और ये देखिए मैं आपको काट कर दिखाऊं से, तो ये देखिए इसकी फिलिंग भी देखिए, बहुत ही मजेदार टेस्टी ये मिठाई बनकर तैयार होती है। रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूंगी। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एकदम सॉफ्ट जूसी और दानेदार कलाकंद की रेसिपी। और इस कलाकंद को बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 कप दूध की जरूरत है और ढेर सारा कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। बस 5 मिनट में ही ये कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं कलाकंद। तो हम पनीर से बनाएंगे, तो मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है और ये जो बारीक वाला ग्रेटर होता है ये ले लिया है। तो इसे हमें ग्रेट कर लेना है पनीर को। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट हो रहा है, तो हम पूरा इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा पनीर ग्रेट कर लिया है। अब ले लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे हम 1 कप दूध। अब डाल देंगे इसमें हम पनीर जो हमने ग्रेट करके रखा था। अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे और चलाते हुए पका लेंगे। तो बस इसी तरह से दबाते हुए हम इसे मिक्स भी करते जाएंगे और पकाते भी जाएंगे। तो ये देखिए इसको पकते हुए 1 मिनट हो गया है, इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे हैं और काफ़ी हद तक जो पनीर और दूध है ना वो मिक्स हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 कप डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर हमने 1/2 कप लिया है मगर हम इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच के बराबर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हमें इसमें सारा नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गांठें बन जाएंगी। तो बस इसी तरह से हम इसे चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें सारा मिल्क पाउडर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और ये देखिए कितना गाढ़ा भी हो गया है ये। अब डालेंगे हम इसमें 1/2 कप ही चीनी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस हमें चीनी के साथ इसे 1 से 2 मिनट ही पकाना है। तो चीनी जैसे ही मेल्ट होगी ना ये हल्का सा पतला हो जाएगा, उसके बाद ये गाढ़ा होने लगेगा। तो ये देखिए काफ़ी पतला हो गया है ये। अब हम इसे 1 मिनट और पका लेंगे। तो ये देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक बॉक्स ले लिया है इस तरह का, उसमें मैंने बटर पेपर लगाकर ऑयल लगा दिया है। अब हमारा कलाकंद जो है ना इसमें ही सेट करेंगे, तो हम सारा इसमें डाल देंगे। बस अब हम इसे बराबर कर देंगे, बिल्कुल ऊपर से चिकना कर देंगे, इस तरह से दबाते हुए बराबर करेंगे। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए काउंटर पर ही छोड़ देंगे, उसके बाद तकरीबन हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
तो ये देखिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ना, ये काफ़ी अच्छा सेट हो गया है हमारा कलाकंद, तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से निकल गया है, अच्छे से सेट हो गया है। बस अब हम इसके पीस कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके पीस कट कर लिए हैं, बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी लाजवाब जूसी हमारा कलाकंद बनकर तैयार हो गया है, और इसको बनने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आज हम बनाएंगे पिस्ता रोल, और इन रोलों को बनाएंगे हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बिना काजू के बिना मावे के हम बनाएंगे इसे। और जब आप एक बार इस तरह से पिस्ता रोल जब घर में बनाएंगे ना, तो बाजार से महंगे पिस्ता रोल लाना बिल्कुल भूल जाएंगे, घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। इतने टेस्टी बनते हैं और इतने आसानी से। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी, तो चीनी को मैंने मिक्सर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया था। 2 कप ले लिया है मिल्क पाउडर। अब ये 4 से 5 इलायची का पाउडर ले लिया है, और 1 कप ही डालेंगे हम इसमें दूध, और ये मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो हमें इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है, अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, इसको गैस पर नहीं रखा है, अभी हम पहले इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी भी इसमें हल्के हल्के लम्स है, तो हम अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने रख लिया है इसे गैस पर, और गैस को कर दिया है ऑन, और मीडियम फ्लेम कर लिया है मैंने। अब हम इसे बराबर चलाते हुए इसका मावा तैयार कर लेना है। तो जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो ये थोड़ा पतला होगा, और जैसे ही ये पकने लगेगा तो थोड़ा गाढ़ेपन पे आ जाएगा। तो इस मावे को बनने में 5 से 7 मिनट भी नहीं लगते, बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। हमें साइडों का भी इस तरह से निकाल देना है। तो इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, ये गाढ़ा होने लगा है, अभी हमें इसे 1-2 मिनट और पकाना है। तो हमने इसे 2 मिनट और पका लिया है, तो ये अब पैन को छोड़ने लगा है। ये हमारा मावा तैयार हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ, और इसी कढ़ाई में थोड़ा इसको फैला कर ठंडा कर लेंगे। तो थोड़ा मैंने कढ़ाई में ठंडा कर लिया, अब मैंने इसे 1 प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे, जब तक हम इसकी पिस्ता की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने पिस्ता ले लिए हैं, इनको मिक्सर में डाल के दरदरा पीस लिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें चीनी पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो मावा बनाया है हमने, थोड़ा सा हम ये मावा भी इसमें डाल लेंगे। मावा डालने से इसमें अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी जब हम इसके रोल तैयार करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ग्रीन फूड कलर, तो 2 से 3 बूंद मैंने लिक्विड ग्रीन फूड कलर ले लिया है, और अच्छे से सब मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये भी तैयार हो गया है, अब हम इसे भी ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मावा अच्छे से तैयार हो गया है, ठंडा होकर ये अच्छा सा डो तैयार हो गया है इसका। हल्का से इसे मसल कर चिकना कर लेंगे। ये हमने जो ग्रीन वाला पिस्ता वाला स्टफिंग तैयार किया था, उसको भी ठंडा हो गया है। अब ले लिया है मैंने बटर पेपर, उस पर मैंने घी लगा लिया है। अब हम ग्रीन वाले का रोल तैयार कर लेंगे। तो हमें इसे पतला सा रोल तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने रोल तैयार कर लिया है इसका। अब मैंने ले लिया है दूसरा बटर पेपर। अब हमारा ये जो वाइट वाला मावा है, ये ले लिया है मैंने। अब इसके ऊपर एक और बटर पेपर रख के हम इसे बेल लेंगे पतला। तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल पतला बेल लिया है, रोटी होती है ना उसे थोड़ा सा मोटा बेला है मैंने। अब इसके काट के हम 2 पीस कर लेंगे, और 1 पीस को रख देंगे साइड पे। और अब ये जो 1 पीस बचा है, इस पे हम जो हमने ग्रीन स्टफिंग बनाई है उसको रख देंगे, रोल तैयार कराए ग्रीन वाला। अब हम हल्के से बटर पेपर को उठा के इसको रोल कर देंगे व्हाइट वाले को ग्रीन वाले के ऊपर। तो ये देखिए रोल हो गया है ये। अब ये जो एक्स्ट्रा है हम इसे काट के अलग कर देंगे। अब हम इसको एक बार और घुमाते हुए रोल कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से इसके जो कोने हैं वो अच्छे से चिपक जाए। अब लगा देंगे हम इस पे सिल्वर वर्क। तो ये मैंने सारे में वर्क लगा दिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए तैयार है हमारे पिस्ता रोल, लग रहे ना बिल्कुल बाजार की महंगी मिठाई जैसे, और इन्हें बनाना कितना आसान है। तो इस दिवाली इस पिस्ता रोल की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
आज लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई की रेसिपी जो आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में बिना गैस जलाए बना सकते हैं और बिल्कुल इसका टेस्ट महंगी मिठाइयों की तरह होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 1/4 कप काजू ले लिए हैं, इसे डालेंगे हम मिक्सर के जार में और इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है, मगर मिक्सर को जो है ना 1 सेकंड पे हमें बंद खुल करते हुए पीसना है। एकदम हम इसे पीसेंगे ना तो जो ये जो काजू है ना ये ऑयल छोड़ देगा। तो ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब डालेंगे इसमें 1/2 कप हम नारियल का बूरा और 1/4 कप डालेंगे हम इसमें शक्कर और 4 से 5 इलायची डाल देंगे। और ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं है, एकदम बारीक पीस गया है। अब ये मैंने 1/4 कप ही मिल्क पाउडर ले लिया है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये मैंने 1/4 कप ही दूध लिया है, मगर 3 से 4 चम्मच ही दूध डलेगा इसमें। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल मावा की तरह हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे और दूध जो है ना हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो देखिए 2 से 3 चम्मच मैंने पहले डाला था, अब 1 चम्मच दूध और डाल देंगे हम। बिल्कुल मावा की तरह ये तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए फिलिंग तैयार करनी है। तो मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, 10 से 12 ही बादाम लिए हैं और 6 से 8 मैंने खजूरें ली हैं। तो जो सॉफ्ट वाली खजूर होती है वो ली है और जो उसकी गुठलियाँ हैं ना उसको निकाल दिया है। अब इन्हें भी हम बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। ये हमारा पीस के तैयार हो गया है खजूर और ड्राई फ्रूट। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा 2 से 3 बूंद ब्राउन कलर, एकदम जो खजूर वाला कलर होता है ना वो आ जाएगा इससे। तो ये हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई है। अब हल्का सा हाथ पे घी लगाकर हम इसका रोल तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसका इतना बड़ा रोल तैयार कर लिया है। अब इसे पे रखेंगे साइड पे। और अब मैंने व्हाइट वाला ले लिया है, तो नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया है हल्का हल्का सा। अब हम इसे बिल्कुल पतला बेल लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे इतना बेला है, जो पराठा बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटा बेला है। अब इस तरह से हम इसके साइड से इस तरह से काट लेंगे और इन्हें हटा देंगे। अब हमने जो खजूर वाली फिलिंग बनाकर रखी थी ना उसको ले लिया है मैंने, और आप इसे बीच में रखेंगे और दोनों तरफ से उठाकर इसको इस तरह से जोड़ देंगे, चिपका देंगे, हल्का सा दबाते हुए चिपका देंगे, हल्का सा रोल कर लेंगे। और ये देखिए ये रोल तैयार हो गया है। अब हम इसी बटर पेपर में लपेट के हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इस पर लगाएंगे चांदी कवर। बस अब हम इसके पीस काट लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी मिठाई। और ये देखिए ढेर सारी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। और सिर्फ इसे बनाने में हमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगा है और इसके लिए हमें गैस भी नहीं जलाना, बिना गैस जलाए ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी।